हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मैं निकल पड़ी हूँ आज अपने ड्यूटी पे। आज अपना टेम्पू से जा रही हूँ और ये हम लोग दुम्मा जा रहे हैं। दुम्मा बॉर्डर से होते हुए मैं दूसरे रोड से जा रही हूँ आज। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये पूरा खुला खुला मैदान है और कितने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं रोड के दोनों साइड। इधर घर बहुत कम ही बना हुआ है। यहाँ रुक के हम लोग पेट्रोल नहीं सॉरी डीजल ले लेते हैं। बार बार मैं आपको पेट्रोल बोलती हूँ क्योंकि स्कूटी में पेट्रोल ही आता है। तो मैंने रोड के दोनों साइड का रिकॉर्ड किया और देखिए रोड के इस साइड झारखंड और उस साइड बिहार है, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया। और देखिए हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। ये दुम्मा बॉर्डर पे बोलबम लोग के रुकने के लिए ये बना हुआ है। ये ट्रस्ट के द्वारा है। यहाँ पे सावन में सब फ्री में खिलाया जाता है। और ये देखिए ये बॉर्डर बना हुआ है, ये बिहार, इस गेट के उस पर बिहार है। और ये और एक गेट है, देखिए ये ही चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा बनाया हुआ धर्मशाला है। यहाँ पे सब कोई को फ्री में सब कुछ मिलता है सावन के समय। और ये देखिए मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ, पीछे से मैं आपको दिखा रही हूँ कैसा है यहाँ पर। ये देखिए कितना घास पेड़ पौधा जम गया हुआ। और ये नंदी महाराज है और यहाँ पे सावन में एकदम मेला जैसा लगा हुआ रहता है। और ये देखिए दूर से ये ईंटा भट्टा का वो बना हुआ चिमनी। और यहाँ देखिए पोलबम रास्ते में इस तरह के बहुत सारी कुर्सियाँ दी हुई है। और देखिए दूर से कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे तो मतलब कि पैर रखने का जगह नहीं रहता, इतना भीड़ रहता है सावन में। और अभी देखिए 2 साल से कोरोना होने के कारण कितना बुरा हाल हुआ रखा। और मैं यहाँ पहुँच गई थी दुम्मा और ये आपने अभी देखा एक बच्चा था, उससे मैंने पूछा कि मैं किधर जाऊँगी, मुझे जाना था। मैं अब अपने हस्बैंड को छोड़ के पैदल ही निकल पड़ी थी क्योंकि थोड़ी ही दूर पे था वहाँ से। दूर से यहाँ पे देखिए नहीं दिख रहा है कि अंदर गांव होगा, पर अंदर थोड़ी दूर जाने के बाद ही गांव था। और देखिए कितना अच्छा बरगद का पेड़ है। और अब मैं पहुँच गई हूँ सहिया के घर पे। और ये देखिए सामने में सहिया का घर है ये। और ये कुर्सी लेके मुझे बीच गांव में किसी के दरवाजे पे बिठाने जा रही है और मैं वहाँ वैक्सीन दूंगी। तो हम लोग अब वहाँ जा रहे हैं बैग वैक्सीन वगैरह लेके। और ये देखिए वैक्सीन का बैग और ये वैक्सीन का बक्सा है। पहले हम लोगों को डस्टबिन मिलता था, एम्बुलेंस जाता था। धीरे धीरे कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन में सब कुछ ख़त्म होते जा रहा है। और ये देखिए मैंने वैक्सीनेशन शुरू किया है और यहाँ पे ज़्यादा व्यक्ति नहीं थे, 10 लोग ही। पुराने में हम लोगों को बहुत टाइम लग गया था। और वो लड़का जो इससे पहले लिया ना, उसको थोड़ा सा पैरालिसिस अटैक किया था इसलिए वो नहीं ले रहा था। पर मैंने बोला कि ले लीजिए आप। और ये जो अंकल है ना, ये इनको आँख से दिखाई नहीं देता है, वो भी ले लिए, बहुत ही बुज़ुर्ग हैं। और उनकी वाइफ पहले ही ले चुकी है एक डोज, पर एक डोज बचा हुआ है। और वो बहुत ही मजाकिया थे। और ये आंटी भी आके ले रही हैं और यही लड़का है जिसके पैरालिसिस अटैक किया था। और ये अंकल देखिए कितने अच्छे से ये तैयार वार हो के आए हुए हैं और यहाँ पे सब कोई खड़े हैं। मैंने थोड़ा सा उनका रिकॉर्ड कर लिया। और ये बच्चा देखिए इसके नाक पे कितना बड़ा घाव हो गया था, मैंने उसके घाव को बहा दिया है। और ये लड़का ये जो मेरे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है जब जब मैं वैक्सीन दे रही हूँ। जन्म जन्म का साथ है ना। बाबू क्या नाम है? अनुष्का। अनुष्का, अनुष्का भारती। और ये देखिए उनकी वाईफाई थी सेकेंड डोज लेने, पर वो डेट बता रही थी उस हिसाब से उनका नहीं पूरा हुआ था, लेकिन उनका डेट पूरा हो गया था। बाद में हम लोगों ने उन्हें बुला के वैक्सीन लिया। और अभी हम लोग के पास सिर्फ 2-3 वैक्सीन ही बचे हुए थे। तो इसको देखिए अब शर्ट पहन के आ गया है, पहले से वो इसी तरह था।
सुई ले लिए हैं आप? ले लिए। ओह, यहीं पे जो लगा हुआ रखा है। और ये देखिए, ये आंटी फिर से आई हैं। जब हम लोगों ने उनको बुलवाया, खत्म हो गया क्या? नहीं, सुई बहुत है, लेकिन 10 सीन तो बहुत ही थे, पर 10 व्यक्ति नहीं होते फिर तो हम लोग उसे खोल नहीं सकते थे, क्योंकि और वैक्सीन बेकार हो जाते हैं, और 2-3 और मिल रहे थे, तो इसलिए अब मैं वहाँ से निकल पड़ी हूँ। 11 व्यक्तियों को मैं वैक्सीन दे चुकी थी, मैंने एक ही वायल खोला, एक में 11 पड़ जाते हैं, तो मैं पैदल ही निकल पड़ी हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, तुम पंचायत भवन डायरेक्ट आ जाओ, तो मैं उधर जा रही हूँ पैदल ही। और ये देखिए कितने अच्छे खेतों में सब्जियों का पेड़ लगा हुआ है। ये बैंगन का पेड़ था, और ये देखिए किसी ने मुझसे टाइम पूछा तो मैंने उसे बताया टाइम 2:30 बज रहा। और ये देखिए पंचायत भवन है, ये मेरे ही क्षेत्र का है, और इसी में मेरा वो चलता है स्वास्थ्य उपकेंद्र। और देखिए फिर उसी रास्ते से हम वापस आने लगे हैं, और आप देख लीजिए फिर से उस दुम्मा बॉर्डर के गेट को, यहाँ से बोलबम का लाइन लगा रहता है और पूरा सजा हुआ रहता है, और आज यहाँ पे बंजर बना हुआ। और यही देखिए चैरिटेबल ट्रस्ट है, और यही झारखंड बिहार का बॉर्डर भी है। तो अब हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस आ जाते हैं, और रोड के इस साइड बिहार और उस साइड झारखंड है, देख लीजिए। और ये रेलवे पटरी यहाँ से गुजरा हुआ है, और अब हम यहाँ पे आ गए। बस अब ये आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि बोलबम के टाइम में यहाँ पे देखिए रोड इस पार में जो है यहाँ पे बस स्टैंड बनाया जाता है। तो इस वीडियो में मैंने इतना ही रिकॉर्ड किया। तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक।